नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मौजूदा बाजार में क्या आपको और निवेश करना चाहिए या फिर कुछ मुनाफा वसूली करें? एसेट एलोकेशन से कैसे पोर्टफोलियो का संतुलन बनाएं? किस फंड में SIP से बना सकते हैं पैसा? और SIP एक मुश्त क्या है सही स्ट्रैटेजी? हमारे साथ खास मेहमान है इसी पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले परिचय करा देते हैं चेतन शिनॉय, हेड प्रोडक्ट आनंद राठी वेल्थ से। चेतन, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और जानना बेहद जरूरी है कि अभी मार्केट, मौजूदा जो बाजार है, उसमें किस तरीके के इंडिकेशंस इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं और क्या उनकी रहनी चाहिए सही स्ट्रैटेजी पर। बाजार ने हाईज कई बार टच किए चेतन, लेकिन इस बार की जो तेजी है बाजार की, वो क्यों सबसे खास है? स्वाति जी, अभी इस बार की जो तेजी है, इसमें खासियत ये है कि काफी सारे चीजों का साथ में हो रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि ये तीसरा साल होगा जब भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था होगा। सो ये एक एश्योरेंस है वर्ल्ड को कि ये तीसरा साल हो रहा है, और इस वजह से काफी सारा अट्रैक्टिवनेस आ रहा है इंडिया की तरफ, और बाकी देश जो है जो वो अभी भी लैग बिहाइंड कर रहे हैं। और एक सर्टन इंग्लिश में जो वर्ड है टीना फैक्टर, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, वो इंडिया की तरफ आ रहा है। और इंडिया इज टर्निंग आउट टू बी द कंट्री जहां ज्यादातर लोग कंसिडर कर रहे हैं एलोकेट करने का पैसा। दूसरी चीज जो ये है कि आप अगर इंडिया का टैक्स कलेक्शन देखने जाए, साल बर साल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दोनों आप लेटेस्ट वाला नंबर देखोगे तो आप समझोगे कि लगभग 10-15% का ग्रोथ है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी पिछले महीने का भी आप देखोगे तो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन है कंपेयर टू लास्ट ईयर। दिस ईयर वी सॉ 15% ग्रोथ इन टैक्स कलेक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्स। आप अगर FII फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एवरेज जो FII का एलोकेशन है इंडियन इक्विटी के अंदर वो लगभग 21% रहा है, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। एंड कंपेरिजन टू द लॉन्ग टर्म 21%, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने रिडम्पशन किया क्योंकि वो US और बाकी देशों के वजह से थोड़े रिस्क ऑफ मोड में थे, तो वो वजह से उनका एवरेज एलोकेशन इनटू इंडियन इक्विटी 19% हो गया है, 19.5% हो गया है। तो अभी वो वापस बिल्ड करना चाह रहे हैं, और इस महीना आप देख रहे हो कि 30,000-40,000 करोड़ वापस इंडियन इक्विटी में आया है। और DII जो है, हम जानते ही हैं कि 17,000 करोड़ का तो SIP बुक बन गया है, हर महीना रिकॉर्ड हो रहा है इनफ्लो का। सो ये सब जो 4-5 फैक्टर्स हैं जो मैंने बोले। इसके अलावा एक और फैक्टर स्वाति जी जो मैं बोल रहा था जो बहुत जरूरी है जानना हमारे दर्शकों के लिए, कि चुनाव से 6 महीने पहले हमने लगभग पिछले पांच चुनाव से पहले देखा, 1999 से देखे 2019 तक का, हर इलेक्शन से 6 महीने पहले मार्केट बहुत ही बड़ा उछाल दिखाता है, ऑन एन एवरेज 13-15% का उछाल दिखाता है। तो इस बार भी वही होते हुए दिख रहा है। इलेक्शन अभी मई जून में आने वाला है, अप्रैल मई जून के बीच में आने वाला है, और 6 महीने पहले का वो जो पीरियड है अभी अभी शुरुआत हुआ है, और मार्केट हमेशा इलेक्शन को चीयर करता है, और वो होते हुए दिख रहा है। सॉरी, एब्सोल्युटली। तो जो जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो भारत के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। चेतन ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि क्यों इस बार की तेजी अच्छी है, काफी पॉजिटिव है और टिकाऊ है, और आगे आने वाले जो साल हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ईयर एंड पर हैं, आगे आने वाले जो महीने हैं इनफैक्ट वो काफी ज्यादा इवेंटफुल रहने वाले हैं। और इस स्टेज पर हमारे साथ एक और हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय भी करा देते हैं। निरंजन अवस्थी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट एडलवाइस म्यूचुअल फंड। निरंजन, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आपसे चर्चा के हम शुरुआत करने से पहले मैं चेतन से यही जान रही थी कि इस बार के तेजी में खास क्या है और अलग क्या है, क्या आपकी नजर में कुछ अलग इस बार हुआ है? मैं यहां पर एक जिक्र SIP का करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ी है पिछले एक साल में, हमने बेहतरीन तेजी देखी है। 17,000 करोड़ का आंकड़ा जो SIPs ने पार किया, सिर्फ और सिर्फ SIP इन्वेस्टमेंट में ही साल भर में 24% की अप्रत्याशित बढ़त हमने देखी है,
और लगातार हम चाहेंगे कि आगे ये रिकॉर्ड आगे भी टूटता जाए, कितना बड़ा योगदान ये नंबर दे रहा है अभी ओवरऑल बाजार में अभी? नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। काफी बड़ा योगदान है एसआईपी का। अगर हम आंकड़े देखें पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में टिल डेट नवंबर तक एसआईपी से जो म्यूचुअल फंड में एयूएम आया है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ है और ये बड़ी अमाउंट है। अगर हम हमारा मार्केट कैप देखते हैं तो उसका और जो भी नए इनफ्लोज देखते हैं डीआई इनफ्लोज का उसका एक काफी बड़ा नंबर है। अगर हम इसकी तुलना पिछले साल से करते हैं, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने लगभग 1,40,000 करोड़ का इनफ्लो एसआईपी के थ्रू देखा था और उसके पहले साल लगभग 1,20,000 करोड़ का इनफ्लोज देखा था। पिछले 3 सालों में अगर हम देखते हैं जस्ट बिफोर कोविड एसआईपी बुक जो थी वो लगभग 8,000 करोड़ की थी, आज हम 17,000 करोड़ पे है। ऑलमोस्ट 3 साल में डबल हो गई है और अगले 3 साल में भी हमको लगता है यहाँ से डबल होगी। तो लगभग 30 से 32 हजार करोड़ हर महीने इक्विटी में आना ये बहुत बड़ी बात है मार्केट के लिए। एब्सोल्युटली। और एक पॉइंट है जिसमें मैं आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का व्यू चाहती हूँ। मैं चेतन आपसे शुरू करती हूँ कि अभी हमने एक बहुत ही एक फेमस एक बयान सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का सुना जिसमें वो ये मंशा जाहिर कर रही हैं कि क्यों ना जो एक निवेश का जो अमाउंट है उसको छोटा कर दिया जाए, 500 के बजाय अगर 100 150 या 200 या 250 भी से भी अगर निवेश की शुरुआत है होती है तो उसमें क्या बुरा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा और जो हम एसआईपी के आंकड़े जो हम 17,000 करोड़ के पार जाते देख रहे हैं तो उसमें उसको और भी ज़्यादा बल मिलेगा। आपका इसमें क्या कहना है, ये कैसा एक स्टेप साबित हो सकता है? स्वाति जी, ये जो स्टेप होने वाला है इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। नॉट ओनली कि ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि पैसा आएगा, पैसा शायद से बड़ा ना आए क्योंकि बहुत रिटेल वाला टिकट होगा, बट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इंट्रोडक्शन होगा एसआईपी का और इक्विटी का, फाइनेंशियलाइजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने अभी बोला, जो सेबी बहुत ही कीन है, दिस शोज वेरी क्लियरली कि सेबी कितना सीरियस है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके और हर साल वो नया कुछ लेके आ रहा है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है इंडिया में बढ़े और लोग फिजिकल एसेट्स जो गोल्ड और रियल एस्टेट जो पुराना उनका तरीका होता था इन्वेस्ट करने का उससे धीरे धीरे माइग्रेट होके कैपिटल मार्केट में भी पैसे लगाए। तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा मार्केट के लिए क्योंकि कई सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, उनको अभी इनिशियल एक एक्सपीरियंस मिलेगा इनिशियल डेज में और वो एक्सपीरियंस का आगे जाके क्या होगा ये हम सब जानते हैं कि जो भी शुरुआत करते हैं इक्विटी में स्पेशली थ्रू एसआईपी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अभी अभी जो मेरे कलीग ने भी बोला कि इंडस्ट्री में 17,000 करोड़ और हर साल 3 गुना होते हुए तो अगले 3 साल में 3 गुना होने का एक नींव रखा गया है इस स्टेप के द्वारा। एब्सोल्युटली। मैं इनफैक्ट इस ये जो आंकड़े हैं इसको एक दूसरे आंकड़ों से कोरिलेट करना चाहती हूँ। मतलब अगर हम देखें म्यूचुअल फंड में जो B30 सिटीज हैं ऐसे शहरों का योगदान काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है और मैं आपको बताऊं कि ये जो रिसर्च है हमें चेतन ने ही प्रोवाइड की है, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निरंजन इनफैक्ट मैं आपसे समझना चाहती हूँ इन रिलेशन विद हम जो SIP की बात कर रहे हैं कि अगर और भी छोटे अमाउंट से SIP शुरू होती है और ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर अभी तो T30 एक तरीके से डोमिनेट करता है, मैक्सिमम जो AUM का हिस्सा है वो T30 से आता है, टॉप 30 सिटीज से आता है, पर B30 भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ भी शहरों का काफ़ी अहम योगदान हम देख रहे हैं। क्या एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तैयारी ऐसे में हो सकती है अगर इस तरीके का कोई जो डिसीजन है वो ऑन पेपर आता है और इम्प्लीमेंट होता है तो? जरूर, अगर हम आज भी देखें तो कहीं म्यूचुअल फंड है, हालांकि एडलवाइस के सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में मिनिमम जो SIP अमाउंट है वो 100 रुपए से शुरुआत होती है, लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड एक प्रीमियम प्रोडक्ट है,
हालांकि अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लगता है कि 5,000 या 2,000 हो गए तो ही मैं स्टार्ट कर सकता हूं। लेकिन आज भी कई फंड्स हैं जहां पे 100 रुपए से स्टार्ट हो सकता है। जब ये एक कदम बढ़ेगा और एक रेगुलेशन या फिर रेगुलेटरी पुश भी इसमें आएगा तो डेफिनेटली ये आंकड़े बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज हमारे पास इंडिया में रफली 7 करोड़ SIPs चल रही है। हालांकि अमाउंट वाइज T30 ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन नंबर वाइज इंक्रीमेंटली B30 से सबसे सबसे ज्यादा मात्रा में SIPs के नंबर्स आते हैं। और यहाँ पे टिकट साइज छोटा ही है, और अगर छोटा हो और अगर प्रमोट करे तो डेफिनेटली ये 7 करोड़ जो है SIP अकाउंट्स और 3 करोड़ जो यूनिक इन्वेस्टर्स SIP या म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, ये नंबर डेफिनेटली यहाँ से डबल हो सकता है अगले 3 से 5 सालों में। सो इसमें जो योगदान है, सैचरटाइजेशन जो SIPs का माननीय चेयरमैन माधवी पुरी बुच ने जो चलाया है कि 250 रुपए या उसके कम की अमाउंट की SIP हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, तो इसका डेफिनेटली फायदा ये आंकड़े जो है नंबर ऑफ SIPs और रिटेलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स मैं जरूर इसकी मदद होगी मेरे हिसाब से। चेतन, एक छोटा रिएक्शन इस पर लेना बेहद जरूरी है। निरंजन ने जैसा कहा कि ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे फंड मौजूद हैं जहां पर आप 100 रुपए से भी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। इसको अब कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ानी है, ये फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सेबी के साथ मिलकर और सबके साथ मिलकर एक आ, आ, करना पड़ेगा, एक स्टेप लेना पड़ेगा इसके लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अभी भी जो एक व्यक्ति अगर मानिए 500 रुपए की SIP शुरू करता है, क्या वो वाकई उस 500 रुपए की SIP को लंबे टर्म के लिए क्या होल्ड करके रखता है कि नहीं रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही व्यक्ति अगर मानिए नया नया इन्वेस्टर जुड़ता है, 250 या 100 रुपए की SIP करे, लेकिन वो उस SIP की जर्नी को लंबी अवधि तक बनाए रखे, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा? स्वाति जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, अब जो HNI इन्वेस्टर कर चुका है और समझ चुका है कि लंबे समय में ही पैसे बनते हैं इक्विटी में, और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है HNI स्पेस में हो गई है, HNI से मास अफ्लुएंट स्पेस में जो 20-25 लाख का टोटल नेटवर्थ वाले लोग जो 2,000-4,000 का SIP करते हैं, 5,000 का SIP करते हैं, उनको भी समझ में आया है। यही अभी पास डाउन करना पड़ेगा 500 रुपए 100 रुपए के SIP वालों के को भी, क्योंकि ज्यादातर जो 500 रुपए 100 रुपए का SIP करने वाले हैं ये हमारे डोमेस्टिक हेल्प ब्लू कॉलर वर्कर्स, शायद से स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग पार्ट टाइम एंड एक्यूमुलेटिंग मनी उनके एजुकेशन के लिए, ऐसे लोग होंगे। तो सेबी का जो ये स्टेप है, जैसे आपने बोला, इनको सेबी को और एम्फी को, एम्फी जो म्यूचुअल फंड बॉडी है, दोनों को साथ मिलके वो वाला काम करना पड़ेगा जो म्यूचुअल फंड सही है वाले प्रोग्राम में हुआ है। तो कई सारे एड्स अभी हर म्यूचुअल फंड में एक सर्टन 2 पैसा रखा जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। तो आई एम श्योर ये इन्वेस्टर एजुकेशन का जो पैसा है रिटेल इन्वेस्टर पे अभी खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट का जो मीडियम भी है, चाहे वो दूरदर्शन में हो या कहीं और मीडियम्स हो जो आज शायद से ये मात्रा में नहीं हो रही होगी, उधर एडवर्टाइजमेंट करके एजुकेट करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को और ये कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को कि म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे पेशेंस रखना चाहिए, जो ऑलरेडी एक सर्टन मीडियम से हो रहा है, ये वाले ब्लू कॉलर मीडियम वालों के लिए भी अभी ये एडवर्टाइजमेंट्स और मीडियम राइट मीडियम द्वारा पुश करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। और जानना बेहद जरूरी है कि अब आपको निवेश की स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, बाजार से कहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो किसी भी बाजार में कैसे पैसा कमाया जाए, क्या सही स्ट्रैटेजी रखी जाए, इस पर हम चर्चा अब इसका फोकस रखने वाले हैं। हमारे साथ एडलवाइस म्यूचुअल फंड से निरंजन अवस्थी हैं, आनंद राठी वेल्थ से चेतन शिनॉय हैं। निरंजन, अब अभी बाजार में कहाँ पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए, मैं स्ट्रैटेजी की बात करना चाहती हूँ। ऑलरेडी जिनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज हैं या जो भी पैसा लगाना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अभी सही तरीका क्या है, SIP से पैसे और जोड़ें,
नई SIP करें, कुछ मुनाफा वसूली करें, सही स्ट्रैटेजी रहे क्या अभी? आसान चीज है, अगर कोई SIP कर रहा है तो मार्केट कहीं भी हो, वो बॉटम के आसपास हो या टॉप के आसपास हो, SIP आपको कंटिन्यू करनी है। ये सबसे बड़ी ताकत होती है SIP की, क्योंकि यहाँ से बाजार क्या होगा अगले 6 महीने, 1 साल, ये कोई नहीं बता सकता। 100% श्योरिटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता है। तो अभी अगर हम पिछले 2-3 महीने में देखें, मार्केट में काफी तेजी देखी गई है। इलेक्शन रिजल्ट्स और फेड का जो डोविश सिग्नल था, उससे मार्केट में ओवरऑल बुलिश सिग्नल मिली है। तो मार्केट और बाजार तो काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशंस थोड़ी कुछ पॉकेट्स में एग्जैजरेटेड है, हाई है। लेकिन लार्ज कैप साइड में वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म एवरेज से आसपास या थोड़ा ही ऊपर है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरलाइंग अर्निंग्स ग्रोथ बाजार की, जो है वो स्ट्रांग रही है। पिछले 2 क्वार्टर की अर्निंग्स ग्रोथ इन इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही काफी अच्छी रही है। तो पिछले 2-3 साल और अगले 2-3 साल तक हमें दिख रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ जरूर रहेगी। तो ये देखते हुए तो डेफिनेटली अगर किसी की आज SIP चल रही है तो डेफिनेटली उसे कंटिन्यू करे, मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करे। अगर कोई नई SIP स्टार्ट करना चाहता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर करना है तो आपकी जो अवधि है या टेन्योर है वो लंबा होना चाहिए, 7 से 10 साल। उसके नीचे अगर 5 या 7 साल से कम टेन्योर की SIP को इक्विटी में करना चाहता है तो मल्टी कैप एक अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि वहां पे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का भी फ्लेवर मिलेगा, लेकिन अलॉन्ग विद लार्ज कैप। क्योंकि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ वोलेटिलिटी आगे जाकर दिखती है बिकॉज वैल्यूएशन हायर है तो लार्ज कैप से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। तो मल्टी कैप फंड्स में नए निवेशक जो SIPs कर रहे हैं तो मल्टी कैप फंड्स की ओर देखिए। बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी एक अच्छी कैटेगरी, अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है या फिर वोलेटिलिटी से डर रहा है मार्केट के, या बाजार काफी तेजी के बाद कुछ करेक्शन जरूर हम देखते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स बैलेंस एडवांटेज फंड्स में भी SIP कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हर किसी के लिए बाजार में सब कुछ है। मल्टी कैप का जिक्र किया निरंजन ने, बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें इक्विटी डेट दोनों का आपको फ्लेवर मिलता है, तो अपने लिए आप सही फंड चुनिए और सही लक्ष्य रखिए और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाइए। पर इम्पोर्टेंट जो जिसका जिक्र निरंजन ने किया, चेतन, फेड ने एक कमेंट्री दी और बाजार बिल्कुल स्काई रॉकेट हुआ। उससे पहले ही बाजार का मूड तो बहुत अच्छा था और उस पर 4 चांद लगा दिए फेड की कमेंट्री ने। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो भारत में भी हर कोई जानना चाहता है कि फेड ने तो कह दिया कि 2024 रेट कटौती का साल होगा, भारत के लिए समय कब आएगा? स्वाति जी, बिल्कुल, ये जो न्यूज है ये दिवाली का पटाखे की तरह फटा है और लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे हिसाब से ये सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर को होने वाला है। फर्स्ट हाफ को नहीं लग रहा है हमें कि होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को 2% के आसपास लेके आना चाहेंगे, मैं फेड की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद रेट का काटने का बात हो रहा है, तो लगभग 2 से 3 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट होने की एक्सपेक्टेशन है। और हमें ये भी याद रखने की जरूरत है कि उनका रेट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है आज के दिन पे, जो उनके देश ने लगभग पिछले 2 डेकेड में नहीं देखा था, 26 साल के आसपास तक नहीं देखा हुआ था। तो US में वो रेट कटिंग जो है वो ऑल टाइम पीक से होने वाला है, तो ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। बट ये जो ट्रेंड रिवर्सल है कि रेट हाइक से रेट कट के तरफ जाने वाला है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है मार्केट में। हमारे तरफ अगर RBI की अगर आप बात करेंगे तो RBI ने अब तक कोई इंडिकेशन दिया नहीं है, क्योंकि RBI का टारगेट है 4% इन्फ्लेशन का, और आप लेटेस्ट प्रिंट देखोगे तो 4.75 के आसपास है। हमें लगता है जब तक वो इन्फ्लेशन को 4 के आसपास या 4 से नीचे नहीं देखेंगे तब तक रेट कट का बात नहीं चलेगा इंडिया में, स्पेशली गिवन दैट हमारे गवर्नर को आजकल बहुत एप्रिसिएशन मिला है, इंटरनेशनल फोरम से भी कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो ही विल वांट टू बी प्रूडेंट, ही विल वांट टू बी फॉलोइंग, इन्फ्लेशन को बहुत क्लोजली वो वॉच करना चाहेंगे, और इन्फ्लेशन जब 4% से कम होगा तभी वो रेट कट करना चाहेंगे। तो इंडिया में भी सेकेंड हाफ में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेट कट, और एल नीनो का जो इफेक्ट है जो पिछले साल हमने देखा था वो उसका एक्सपेक्टेशन अभी भी है
कि अगले साल भी देखा जा सकता है। तो आई एम श्योर आरबीआई देखना चाहेगा जून जुलाई तक कि मॉनसून कैसे चल रहा है और उसके बाद डिसाइड करना चाहेगा रेट कट का, क्योंकि एक बार रेट कट शुरू करने के बाद उसको वापस बढ़ाने का मतलब नहीं बनता। तो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी पहले साल के पहले हिस्से में नहीं होगा, सेकेंड हिस्से में वेरी लाइकली टू हैपन डिपेंडिंग ऑन मॉनसून और इन्फ्लेशन 4% से नीचे हो तो होगा सेकेंड हाफ। इनफैक्ट चेतन, मैंने क्योंकि निरंजन से भी सवाल पूछा था, आपका व्यू पॉइंट बहुत जल्दी लेना जरूरी है, वेरी क्विकली आपकी नजर में कौन सी कैटेगरीज अभी निवेश के लिए सही? बिल्कुल, आई थिंक पहली चीज तो ये है कि एक सर्टेन लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप प्रूडेंस या रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इस साल के लिए हमने जो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप रखा है वो लगभग 50-60% लार्ज कैप में और लगभग 10-15% मिड कैप में और लगभग 30% जो है स्मॉल कैप में एलोकेट करने का हमारा एडवाइस है इन्वेस्टर्स को। ये इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि लार्ज कैप स्पेस और स्मॉल कैप स्पेस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और मिड कैप स्पेस थोड़ा महंगा चल रहा है और अर्निंग्स भी देखा जाए तो स्मॉल कैप में अब तक पूरा अर्निंग्स आया नहीं है, लार्ज कैप में अभी अर्निंग्स इस साल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हुई है, 18% का एक्सपेक्टेड ग्रोथ है अर्निंग्स में। तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप में हम थोड़ा ज्यादा एलोकेशन की बात करें, 50-60% और 30% इन स्मॉल कैप, ये डायरेक्शनली हम रिकमेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स टू पार्टिसिपेट द बेस्ट वे टू पार्टिसिपेट हमारे हमारे हिसाब से स्मॉल कैप फंड बिल्कुल होना चाहिए और लार्ज कैप फंड के बदले में हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिएगा क्योंकि उसमें भी लार्ज कैप एलोकेशन होगा और मिड एंड स्मॉल कैप का एलोकेशन भी होगा। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ प्योर लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फोकस्ड ये कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी इज व्हाट वी आर रिकमेंडिंग टू आवर कस्टमर्स। बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजी पर हमने चर्चा की, अभी बाजार में कैसी स्ट्रैटेजी, कहां पर पैसे बन सकते हैं, कहां पर नजर रखें इन्वेस्टमेंट की, इस पर चर्चा हमने की। बहुत धन्यवाद करेंगे निरंजन और चेतन आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।